ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। होलिस्टिक वेलनेस का अनोखा संगम। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसद जी और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों और देश भर में विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे विशेष मेहमान जो इस कार्यक्रम में डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि आज इस दिवस को जो हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का श्री गणेश कर रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति यह हम सबको गौरवान्वित करती है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपने प्रधानमंत्री जी ने यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वास्थ्य के उसके लिए समर्पित किया है। मैं मानता हूं कि यह शुभ दिन है, प्रासंगिक है और ऐतिहासिक दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम आज भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं और स्वास्थ्य के साथ उसे जोड़ते हुए इस दिवस को समर्पित करते हैं, इसलिए उसकी प्रासंगिकता बनती है। और साथ ही साथ ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य जगत में एक मील पत्थर साबित होगी और बहुत आगे बढ़ने में इसका योगदान होगा। इसके लिए विशेष करके आपको धन्यवाद, अभिनंदन और इस ऐतिहासिक दिन के लिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में स्वास्थ्य को देखने का और स्वस्थ जीवन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय का नजरिया आपने बदला है। पिछले 10 वर्षों में आपने स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं चलाई, जो कार्यक्रम बनाए, जो नीतियां बनाई, वो सारी नीतियां स्वास्थ्य को एक नई दिशा में ले जाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और हम कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में आज स्वास्थ्य समग्रता में देखा जा रहा है और होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जा रहा है और सभी विधाओं को साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। और उसी का ये परिणाम है कि आज आयुर्वेद के भी शिलान्यास हो रहे हैं, आज एलोपैथी के भी हो रहे हैं। आप भारत को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी भी योजनाएं समर्पित हो रही हैं और इसके साथ साथ आम व्यक्ति को सुविधा पहुंच सके इसको भी आप क्रियान्वित कर रहे हैं। यह आज के दिन की विशेषता है और इसलिए यह दिन स्वास्थ्य को समर्पित है, समग्रता को समर्पित है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले हम साइलोज में सोचते थे और एलोपैथी तो सिर्फ प्रिवेंटिव का पार्ट देखता था, लेकिन आज आपने जो स्वास्थ्य नीति दी है उसमें दो विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो है कि वो होलिस्टिक है, उसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव,
रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव सबकी चिंता की गई और दूसरा कि सभी विधाओं को एक साथ जोड़ करके एक छत के नीचे लाने का आपने जो प्रयास किया है यह हमेशा याद किया जाएगा और दुनिया ने भी इसको सराहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए आज जब हम को शेयरिंग की बात करते हैं, कोलैटरल की बात करते हैं, एक ही छत के नीचे सभी विधाओं को जगह देने की बात करते हैं तो वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही नीतिगत निर्णय है जो आम आदमी के स्वास्थ्य को मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान करता है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि आज के दिन आपने फार्मा सेक्टर को जो आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है उसको क्रियान्वित करने का समय आ गया है और आज फार्मा सेक्टर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर, फिर चाहे वो गुजरात में हो वापी में, फिर चाहे वो काकीनाडा में आंध्र प्रदेश में हो,